हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इस ऑफ शेयर देखिए नया चैप्टर है इजी चैप्टर है बट अगर आपने इसके फंडामेंटल को नहीं समझा सो दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू तो पहले समझते हैं व्हाट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देखिए नाम से सजेस्ट है दैट दीज टाइप ऑफ शेयर आर बींग ऑफ टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज को ही देते हैं लेकिन क्यों देते हैं इसके इंटेंशन क्या यानी कि कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दे रही है क्या ऑप्शन हम आपको जो है स्टॉक्स देंगे शेयर्स देंगे बट क्यों दे रही कंपनी ऐसा क्यों दे, दे रही है ऐसा ऑप्शन क्यों दे रही है जहां से देखिए मान लीजिए कोई कोई पर्सन है मान लीजिए कोई पर्सन है मिस्टर ए राइट एंड वो एक्स लिमिटेड में काम कर रहा है एंड इसको जो पैकेज मिल रहा है दैट इज ऑन एंड अराउंड टेन लैक्स का राइट एंड एक कंपनियाँ बहुत अच्छा से काम कर रहा है अब ऑब्वियसली देखो हर पर्सन अपने लाइफ में कहते हैं ग्रोथ को देखता ही है तो वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है तो वो एक्सप्लोर करता है कि कोई कंपनी अगर मैं शिफ्ट करूँगा यहाँ से तो दूसरी कंपनी मुझे कि, 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 कितना पैकेज ऑफर करेगी उसने देखा कि वायर लिमिटेड मुझे जो है पंद्रह लाख रुपए का जो पैकेज ऑफर प्रोवाइड कर रही है प्लस सम बेनिफिट्स दैट मीन कोई इंसेंटिव हो गया या कोई भी पर्कस वगैरह हो गए जैसे कार फैसिलिटी दे दी या टेलीफोन फैसिलिटी दी है कुछ भी दे दिया ओवर एंड जो इसको जो दियाफिट भी प्रोवाइड कर रही है अब ऑब्वियसली होगी गलती, गलती तो है ही नहीं सीधी सी बात है देखो वो मान लीजिए मिस्टर ए जो है एक्स लिमिटेड में पांच साल से काम कर रहा है अब उसको वहाँ पर कोई फ्यूचर अपना कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रहा तो वो मोबाइल लिमिटेड में अपना फ्यूचर देखेगा ऑब्वियसली हर इंसान का देखिए अपना राइट है कि वो अपने ग्रोथ के लिए वो कंपनी को शिफ्ट कर सकता है इसमें कोई गलत बात है नहीं लेकिन अगर बात करें कि एक्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए क्या क्या इस कंपनी के लिए का को कोई लॉस है या नहीं है देखिए सीधी सी पता लॉस है कंपनी ने इस पर्सन के लिए यारी इस एम्प्लॉय के लिए काफी खर्चा किया होगा भाई जब कंपनी कंपनी ने कम्पनी ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया होगा तो कंपनी ने सिलेक्शन खर्चा किया होगा राइट फिर कंपनी ने इस एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग भी दी होगी तो ट्रेनिंग खर्चा भी दिया होगा कुछ और भाई जैसे ऑफिस में रहते रहते भाई रहतेम्प्लॉयज को काफी बेनिफिट्स मिलते हैं तो उस पर भी काफी खर्चा हुआ होगा और जब कंपनी को लगता है कि ये पर्सन जो अच्छा काम कर रहा है दैट मीन्स जो कंपनी को अच्छे से मैनेज करता है तो कंपनी के लिए ये नुकसान ही है कि कोई अच्छा इंप्लॉय जो है मतलब कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं तो अगर कंपनी को जब ऐसा लगता है ना कि कोई अच्छा इंप्लॉय या बहुत बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉय जो एक साथ छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को तो कंपनी उनको रिटेन करने के लिए जो है क्या करती है स्टॉक ऑप्शन देती है इसको बोलते हैं हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान राइट कंपनी बोलती है एम्प्लॉयज को कि आप हमारी कंपनी में रिटेन रहिए हम आपको रिटेन करना चाहते हैं और इसके बदले हम आपको जो है आप बस कंपनी में कंटिन्यू की, काम कीजिए और हम आपको इसके बदले आपका हम, हम आप, अपनी कंपनी के आपको शेयर्स देंगे राइट तो देखिये यहां पर क्या लिखा होट मीन्स ई सॉफ शेयर बेसिकली प्रोवाइडेड टू एग्जिस्टिंग शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर्स एंड मीन्स जो कंपनी ऑलरेडी में यानी जो एम्प्लॉय ऑलरेडी टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होगा सॉरी यहाँ पर यानी कि जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है ये सिर्फ ऑप्शन उन्हीं के लिए नए इम्प्लॉय के नहीं है राइट बिकॉज कि काफी ज्यादा खर्चा होता है जैसे लेबर टर्न ओवर का देखिए बहुत बड़ा खर्चा होता है कंपनीज के लिए कि अगर मान लीजिए एक साथ कोई लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर एक साथ छोड़ के जा रहे हैं राइट एंड उनके बदले अगर नए रिक्रूटर को रखना है तो ऑब्वियसली काफी खर्चा तो होगा तो कंपनी इन इनको रिटर्न करने क्या करती है कंपनी करती है उनको इस सब शेयर्स ऑफर देती है अब ये सॉप शेयर्स होते हैं क्या बेसिकली इट इट इज़ इज़ गिवन गिवन एट एट रेट रेट वेरी वेरी रेयर चांस होता है कि कंपनी जो है ये सब फ्री में प्रोवाइड कर देती है बट नाइनटी नाइन परसेंट केस में वो कंसेशन रेट भी होता है फिर उसके बाद इसको हम एक इंसेंटिव स्की बोलते हैं भाई भाई पैकेज ही उठा रहा है वो दस लाख का उसको फिर ऊपर से शेयर्स मिल रहे हैं तो क्या है एक तरह का कोई इंसेंटिव स्कीम है फिर इसके बाद इट इज बेसिकली अ राइट बट नॉट एन एप्लिकेशन फॉर एम्प्लॉई दैट मीन्स ये कंपनी का सिर्फ एक राइट right ही दिया हुआ है ठीक है मैं एम्प्लॉय uh, के लिए एम्प्लॉय के लिए सिर्फ राइट है यानी कंपनी उस पर मजबूरी नहीं कर सकती कि नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं है ठीक है तो कंपनी uh, कंपनी को जब ई सब शेयर देती है तो एम्प्लॉय का राइट बनाता है कि उस ई सॉप शेयर को या तो वो एक्साइज कर ले यानी कि ऑप्ट कर ले या फिर उसको छोड़ दे ठीक है बट अगर मान लीजिए शेयर्स अगर उसको ऑप्ट कर लेता है ठीक है तो फिर ओब्लिकेशन बन जाती है कंपनी के लिए बस सीधी सी बात है कंपनी अगर ऑफर कर रही है और इम्प्लॉय लेना चाह रहा है तो अब पूरा राइट जो है शेयर्स का जो है वो इंप्लॉई के ऊपर हो जाएगा अब बट ऑब्लिकेशन किसके लिए कंपनी के लिए हो जाएगा राइट राइट देन लास्ट पॉइंट दैट शेयर्स प्रोवाइडेड एट कंडीशन दैट मीन कुछ कंडीशन होती हैं तभी ये, ये फुलफिल कर दी तो ही ये आपको जो इस मिलेंगे अदरवाइज नहीं मिलेंगे राइट अब खुद ही सोचिए कंडीशन क्या हो सकती है देखिए कंपनी अगर देखा जाने देखिए कंपनी की मांग क्या है यानी कंपनी की डिमांड क्या है कंपनी क्या चाहती है कंपनी चाहती है कि इंप्लॉयज को रिटेन करना राइट इंप्लॉयज को रिटेन करना

जो एक होती है सर्विस बेस्ड एक होती है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस बेस्ड मीन्स दैट मींस कंटिन्यू टू वर्क इन कंपनी फॉर अ सर्टेन पीरियड यानी कि कंपनी बोलती है कि अगर आप हमारी कंपनी में कंटिन्यू करोगे ठीक है चाहे वो दोस्त मतलब एक टाइम पर लिमिट सेट हो जाता है बिटवीन द इम्प्लॉज एंड द कंपनी मान लीजिए कंपनी ने बोला कि पाँच साल आप इस कंपनी में कंटिन्यू काम करो तो उसके बाद आपको जो हम इस ऑप्शेयर देंगे राइट तो कंपनी बोलती है ऐसा दो साल तीन साल चार साल या पाँच साल मतलब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि कंपनी का वेस्टिंग पीरियड क्या है ठीक तो है तो सर्विस बेस्ड क्या है कंपनी बोलना चाहिए कि आप हमारे कंपनी में कम से कम इतने साल अभी कंटिन्यू रखो उसके बाद आपको जो हम अपनी कंपनी के इस ऑप्शे मिल, आपको मिल जाएंगे तो ये पहला सर्विस बेस्ड है उसके बाद है बेस्ड था परफॉर्मेंसॉर्मेंस बेस। मीन्स टारगेट्स बी अचीव दैट मीन्स एम्प्लॉज को कुछ टारगेट्स देंगे अगर आपने वो अगर एम्प्लॉई अगर वो टारगेट्स अचीव कर लेता है तो ही इसको जो वो इसवाइज वो तो नहीं मिलेंगे राइट आई रिपीट इस कंपनी प्रोवाइड कर रही है कुछ प्री डिटरमाइन कंडीशन पे देखिए होता क्या है कि आपको सोचिए कंपनी कंपनी की बेनी डिमांड है कंपनी रिटर्न करना है राइट right? तो या फिर वो कंपनी बोलेगी या तो सर्विस बेस्ड हो या तो फिर परफॉर्मेंस बेस्ड हो उसको क्या होता है right? लो या फिर को पहल, देने से पहले ही कंपनी है आप ये बेसिक कंडीशन फुलफिल करो उसके बाद आपको जो शेयर्स मिलेंगे तो एक होता है सर्विस बेस्ड एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस बेस्ड मीन्स आप जो है कम से कम इतने साल आप का, काम कंटिन्यू करो उसके बाद आपको जो मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे

कोई एक अच्छा ये दोनों नहीं होंगे कोई एक होगा और होगा याद राइट तो या अब मान लीजिए एम्प्लॉई ने जो है बेसिक कंडीशन कर ली अब अब उसके पास इम्प्लॉय के पूरा राइट है उसका हक है कि वो इस ऑप्शन को ले भी सकता है नहीं भी ले सकता हाँ फुलफिल होने के बाद जो है जाती रहती कंपनी के ऊपर राइट right? तो कंपनी इसको एक टाइम पेरियड देती है इंप्लॉयज को कि आप इस टाइम पेर के अंदर आपके पास ऑप्शन है या तो आप उसको एक्सेस करो या तो उसको आप छोड़ दो ठीक है तो तो या तो वो हो, जाए तो फिर हो जाएगा राइट right? आप, आप, आपको समझ ने बोला कि आप जो है हमारी कंपनी में बींग एन एम्प्लॉय रही फॉर फोर ईयर्स इसको क्या वेस्टेड वेस्टिंग पीरियड जैसे मान लीजिए कंपनी ने इस डेट को, को बोला इस डेट को बोला ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी को कि हम आपको ये सब शेयर ऑफर कर रहे हैं क्यों तो हम आपको रिटर्न करना चाह रहे हैं और कंपनी ने कंडीशन रख दी कि आप हमारी कंपनी में आज से अगले चार साल तक काम करो तो देखिए वेस्टिंग इसको बोलते है। हैं वेस्टिंग पीरियड यानी कि पीरियडी रखिये ना उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड तो वो कहां हुआ भाई कब कब हुए और जिस डेट को दिए उसको, उसको क्या बोलते हैं ग्रांड डेट उसको क्या बोलते हैं ग्रांड डेट आई रिपीट जिस डेट को ये सब शेयर्स ऑफर करे उसको बोलते हैं ग्रांड डेट और इसी डेट से लेकर जो कंपनी ने कंडीशन रखी है जिसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशन या इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड अच्छा देखना अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सी इसके लिए पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सर्विस बेस्ड के लिए सर्विस बेस्ड वाला परफॉर्मेंस बेस्ड वाला हम इसके लिए अलग से जब क्वेश्चन करेंगे तब तो हम आपको अच्छे समझाएंगे कि परफॉर्मेंस बेस्ड पे कैसे निकालते हैं अभी हम सिर्फ सर्विस बेस्ड पढ़ रहे हैं सर्विस बेस्ड हो यानी कि वेस्ट हमने पढ़ा था ना ऊपर कि कंटिन्यू करो आप हमारे में अगले चार साल तक काम करो तो उसको बोलते हैं right? जिस डेट को इसो शेयर प्रोवाइड करे हैं ऑप्शन दिए हैं अभी प्रोवाइड नहीं करें ऑप्शन दिए हैं उसको बोलते हैं ग्रांट डेट राइट right? तो यहां पर देखिए यानी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक चार साल जो हो गई होगी क्या वेस्टिंग पीरियड इसको क्या बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड राइट इसके बाद कंपनी बोलती है अच्छा अब आपने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर ली अब आपके पास राइट है कि आप इस ऑप्ट कर सकते हो बट कंपनी हम आपको सिर्फ एक साल का टाइम दे रहे हैं यानी कि एक साल में आप सोच लो कि आपको ये एक, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो इसको क्या बोलते हैं हम एक्सरसाइज पीरियड जो मैंने ब्लू में मार्ग की है उसको बोलते हैं हम एक्सरसाइज पीरियड और उसके बाद भी अगर मान लीजिए इंप्लॉई कोई ऑप्शन देते है, नहीं है यानी उसने कुछ इंटीमेट ही नहीं करा कंपनी को ये नहीं किया, तो फिर वो सारे लैप्स हो जाएंगे राइट अब आगे पढ़ते हैं जैसे मान लीजिए का जो शेयर चल रहा है वो वन पे चल रहा है मार्केट प्राइस है फिफ्टीन 15, वन चल रहा है कंपनी ने उसको ऑफर करा सपोज हंड्रेड पे राइट तो कंपनी के पॉइंट से वो डिस्काउंट कितना बन गया डिस्काउंटी रिपीट कंपनी के पॉकेट से तो वो क्या हो गया क्या है खर्चा है डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है भाई ना दो मार्केट प्राइस चल रहा है ऑप्शन दे रही है कितने पे हंड्रेड पर शेयर पे यानी कंपनी जो हर शेयर पे पचास रुपए का डिस्काउंट दे रही है और उसको अकाउंटिंग फॉर्म में हम इज वैल्यू ऑफ इज बेसिकली ट्रीटेड डे एक्सपेंस तो उसको हम पी एन एल से एडजस्ट करते हैं राइट तो ये था आपका बेसिक दैट मीन्स व्हाट इज ऑल अबाउट इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान राइट अब हमें देख करना है क्या है इसका इससे बेसिक तो पढ़ना नहीं अब हमें बेसिकली पढ़ना है कि इसको अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करें यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी तो हम देखेंगे इसकी जन एंट्री एंट्री क्या करेंगे देखिए आप सोचिए इस पूरे टर्म यानी कि जो टाइम लाइन है या जो भी या या ये जो ऑप्शन है दे दे, इस ऑफ शेयर कंपनी ये सब रिकॉर्ड करेगी तो क्या रिकॉर्ड करना चाहिए कंपनी के लिए क्या रिकॉर्ड हो रहा है यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या हो रही है कंपनी के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखो इस ऑफ शेयर कब मिलेंगे जब वो वेस्टिंग पीरियड लैप्स हो जाएगा यानी कि जैसे वेस्टिंग पीरियड ओवर हो जाएगा तब एक्साइज पीरियड स्टार्ट होगा और इस ऑफ शेयर याद होता तो तब वो इम्प्लॉज ऑप्ट करेगा तो नहीं करेगा जब ऑप्ट करेगा तब रिकॉर्ड कर देंगे लेकिन जो वेस्टिंग पीरियड चल रहा है यानी कि एक दो तीन साल या चार साल चल रहे हैं क्या इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी होगी क्यों नहीं होगी भाई कंपनी पचास रुपये का डिस्काउंट दे रही है तो उस जो डिस्काउंट है उसको कंपनी पी एन एक्स एडजेस्ट करेगी राइट तो देखिए कैसे करेगी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ठीक है याद रखना ये कौन सा ईयर है? है जो मैंने ऊपर टैमेन दिखाई दी जो मैंने येलो में मार्क किया ना ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ दैट मीन्स ये जो दो एंट्री होगी राइट right? ये होगी एट द एंड ऑफ एवरी फोर ईयर फोर ईयर क्यों बोला सर आपने क्योंकि टैमेन के अकॉर्डिंग हमारे वेस्टिंग पीरियड कितना है चार साल का है वन टू थ्री एंड फोर चार साल का हमारा वेस्टिंग पीरियड है तो अगले चार साल तक हमारी ये दो एंट्री होगी ठीक है ध्यान से मैंने दो एंट्री होगी अभी इस एंट्री का फिर ध्यान समझ लो ये एंट्री का मतलब क्या है पहले लिखा है मैंने फर्स्ट एंट्री होगी दैट इज एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट ठीक है अब ये सर इसोप एम्प्लॉई कंपेंसेशन एक्सपेंस क्या है इसको ध्यान समझते हैं यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन कैसी होगी इसकी देखिए कंपनी क्या कर रही है कि एम्प्लॉय को शेयर्स ऑफर कर रही है कौन से right? तो प्रोवाइड कि 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 uh, कर रही है वो यहां लिखेंगे कितने टेन फिफ्टी हंड्रेड वन थाउजेंड कितने भी हो जितने एम्प्लॉई को यानी कि कंपनी uh, को लगता है कि एटलीस्ट इतने एक्सपेक्टेड इंप्लॉय तो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे तो हम यहां लिखेंगे या देखना वर्ड यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड टू अवेल एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली अभी पता नहीं भाई आप आपका टैलेंट देखिए भाई मान लीजिए कंपनी ने शुरू में जब ग्रांट टेड में थे कंपनी ने हजार एम्प्लॉय को जो ये सब शेयर प्रोवाइड करे लाइक फिर उसके बाद एट दी एंड ऑफ फर्स्ट ईयर सिर्फ रह गए नौ सौ यानी कि सौ जो एम्प्लॉयज थे वो छोड़ के चले गए उन्होंने वेस्टिंग पीरियड भाई मतलब मतलब जो वेस्टिंग पीरियड था वो भी उन्होंने जो उनको कंटिन्यू नहीं रखा

दैट स यहां पर इसका मतलब क्या है दैट मीन्स इस सौ शेयर्स पर एम्प्लॉयी कितना ऑफर कर रही है कंपनी वो यहां लिखेंगे देखिए ये तो आपका जो है वेरिएबल होगा वेरी करता रहेगा ईयर टू ईयर लेकिन पर एम्प्लॉ ये तो फिक्स ही रहेगा राइट वैल्यू ऑफ ऑप्शन हमने क्या पढ़ा था डिस्काउंट भाई ये भी क्या होगा फिक्स होगा भाई जैसे देखो हर शेयर पे कंपनी पचास रुपए डिस्काउंट दे रही है वो तो सेम ही रहेगा वो तो चेंज होगा नहीं इसके बाद इसको मतलब करेंगे यानी कि वेस्ट लैप्स वेस्टेड पीरियड डिवाइड बाय टोटल पीरियड सर इसका मतलब क्या हुआ ऐसे देखिए मैंने आपको लिखा था टाइम में, में कि यहाँ पर कंपनी हर चार साल में ये दो एंट्री करेगी

ये जो चार साल का पीरियड है दिस वन ये जो चार साल का पीरियड है कंपनी क्या कर रही है कि जब ये वेस्टिंग पीरियड तक कंपनी क्या कर रही है अपना पूरा पेंडल जो है एडजस्ट कर रही है तो चार साल का कंपनी एक पहले साल तो सारे नहीं करेगा चार साल में डिवाइड हो जाएगा लेकिन कंपनी ने जो फर्स्ट ईयर में जो पेंडल में एडजस्ट कराया है वो सेकंड ईयर में ट्रांसफर होगा नहीं ठीक है तो कंपनी क्या कर रही है कि हर साल तो चार साल में करेंगे जैसे मान लीजिए हो तो जाए वन बाय फोर फिर हो जाएगा टू बाय फोर फिर थ्री बाय फोर फिर जेगा फोर बाय फोर राइट right? और इसका जो एक्सपेंस है यानी कि पहले साल का जो एक्सपेंस है वो यहां पर ना आ जाए इसलिए कंपनी क्या करेगी उसको माइनस कर देगी ठीक है तो यहां पर जो वन बाय फोर और टू बाय फोर लिखा ना ये मैंने वही है वही वही फॉर्मल लिखा हुआ है यानी कि पीरियड पीरियड बाय टोटल जैसे माना पहले साल गुजर गया तो वन बाय फोर या फिर हो टू बाय फोर ऐसे हो जाएगा और फिर माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो भी हमने मान पहले साल जो रिकॉर्ड कर दिया अब वो सेकंड ईयर में हमारे हाथ में क्या रहेगा हार, हार, रहे right? तो अब हमें समझ आया कि व्हाट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉई कॉम्पेंसेशन एक्सपेंस मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंस क्या कंपनी के लिए वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ ऑप्शन ऑप्शन एंड डिस्काउंट यानी कि हर शेयर पे कंपनी कितना डिस्काउंट करने जा रही है वो कंपनी के लिए खर्चा है और जो सारे जो खर्चे होते हैं आपको क्या बताया था कि कंपनी के ग्रांट डेट पे क्या कर रही है कंपनी ग्रांट डेट पे क्या कर रही है इसोप शेयर के सिर्फ ऑप्शन दे रही है लेकिन एक्सरसाइज तो बाद में होगा ना इसलिए इसलिए कंपनी के लिए वो लाइब्रेटी बन जाती है राइट right? बाद में देगी जितने भी देगी कितने एम्प्लॉयज को देगी वो बाद में देखेंगे तो कंपनी के लिए क्या वो, वो क्या देगी? तो हो जाएगा लाइब्रेटी तो उसने लिखा टू एम्प्लॉय स्टॉप आउटस्टैंडिंग यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये होगी फर्स्ट एंट्री इसके बाद सेकेंड एंट्री पी एन एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय एक्सपेंस दैट्स इट अभी सेम एंट्री जो है अगले चार साल तक होगी अमाउंट डिफर होता रहेगा सर अमाउंट को डिफर होगा अभी मैंने बताया था ना बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस ठीक है जब इसका पर्टिकुलर करेंगे तो और अच्छे से आपको साटिव होगी इसके बाद जब ये वेस्टिंग पेड ओवर हो जाएगा यानी कि जो ये जो येलो जो शेड्यूड एरिया है जब ये वेस्टिंग पेड ओवर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा अब इम्प्लॉय सोचेगा कि मैं ये इस ऑप्शन एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ दोनों ऑप्शन होंगे अब का पूरा राइट है अब मान लीजिए एम्प्लॉय ने उसको जो है एक्सरसाइज कर लिया यानी कि ऑप्ट कर लिया तो एंट्री क्या होगी कंपनी के पास क्या आएगा पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया और कंपनी की जितनी लाइबिलिटी वो खत्म हो जाएगी तो आउटस्टैंडिंग जो इस्टिंग अच्छा, आएगा इस ऑप आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो भी अब हमने ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करी थी अब उसको खत्म करेंगे तो उसको हमने क्या कर दिया डेबिट कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल सर आपने इसको क्रेडिट क्यों करा क्यों कंपनी इस ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है तो कंपनी की कैपिटल तो रेज होगी ना तो इसलिए टू इक्विटी कैपिटलिटी समझना है क्या लिखा है मैंने आप देखो एक्साइजी ऑप्शनोई जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है तभी एंट्री होगी तो कंपनी के बाद पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट सर कौन सी वैल्यू पे आएगा पैसा कहां से आएगा एक्सरसाइज प्राइस पे कंपनी एक्सरसाइज प्राइस मीनस ऑफरिंग प्राइस यानी कि जिस प्राइस पे कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर ऑफर कर रहे हैं जिस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्साइज प्राइस राइट ऐसा मान लीजिए ऊपर केमले के हिसाब के से हमने देखा कि कंपनी ने जो यहाँ पर हंड्रेड शेयर्स पे कंपनी जो है इसको यानी कि हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है सौ रुपये है और कंपनी डिस्काउंट कितने पे कर रही है पचास सौ रुपये का तो पूरा डेढ़ सौ हो गया ठीक है उसके बाद फेस वैल्यू मान लीजिए दस रुपये तो दस रुपये यहाँ लिखेंगे बाकी क्या रहेगा रिमेनिंग आपका वन फोर्टी क्या हो गया आपका प्रीमियम दैट्स इट अब प्री सिक्योरिटीज में आपका हमेशा बैलेंस फिगर आएगा ठीक है देखो सिक्योरिटीज में आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा मैं एक बार थोड़ा इसको डिटेल में सुना देता हूँ देखिए सीधी सी बात है देखिए मान लीजिए कि कंपनी ने जब अपना आई लेके आई थी ठीक है वो टेन रुपीज पे था अब कंपनी ने मान लीजिए आफ्टर टेन ईयर कंपनी जो है अब ई शेयर प्रोवाइड कर रही है अब दस साल बाद तो शेयर मान लीजिए इसकी मैंने अभी एग्जाम्पल लेकर चला वो डेढ़ सौ रुपये तो हो सकती है ना कंपनी इंप्लॉई को सौ रुपए में प्रोवाइड कर रही है ठीक है लेकिन कंपनी जब नए कैपिटल इशे, जब कैपिटल रेस होती है तो वो होती है एस पर फेस वैल्यू और कंपनी उसको प्रोवाइड कर रही है सौ रुपये में तो देखा जाए तो कंपनी को तो पैसा एक्स्ट्रा ही मिल रहा है ना तो वो कहा जाएगा सारा सिक्योरिटी प्रीमियम में तो बस वही लिखा है राइट इसके बाद लैब्स

अभी सिर्फ फॉर द टाइमिंग मैं सिर्फ फोर मान लीजिए ये एंट्री नहीं होती इंप्लॉय ने एक भी शेयर ओपन नहीं करा सारे सारे शेयर कंपनी एम्प्लॉय ने मना कर दिया मैंने ले रहा उसने ठुकरा दिया और सारे शेयर जो है वो अब ऑप्शन जो है वो लैप्स हो जाएगा जब ऑप्शन लैप्स हो जाएगा तो फिर क्या होगा आप से देखिए चार साल तक कंपनी की लाइब्रेटी क्रिएट होती चलेगी और चार साल तक कंपनी ने पी एन एल से सारा पी एन एल कम होता चला गया तो कंपनी क्या करेगी उसको रिवर्स करेगी रिवर्स कैसे करेगी अपनी लाइब्रेटी को पहले डेबिट करेगी कम करेगी और सारा जॉब प्रोफिट जो जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा सर ऊपर हमने जो पेनवेल से एडजस्ट किया था नीचे आप इसको आप जर्नलिज्म से लेके जा रहे हो सर वो इसलिए क्योंकि जब जर्नल ऐसा होता है तो कंपनी सोचती है कि चलो जर्नलिज्म में ट्रांसफर है ताकि उसको फ्रीली यूज कर सकें बस और कोई रीजन नहीं है ठीक है और अगर आप पेनल भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत गलत नहीं है आप जर्नल रिजर्म लिखोगे तो ज्यादा बेटर है राइट अच्छा ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि वेस्टिंग पीरियड तक मान लीजिए एक्सरसाइज जब किया हजार एम्प्लॉय को कंपनी ने सॉरी कंपनी हज़ार एम्प्लॉय को करा राइट और एक्सरसाइज करा सिर्फ आठ सौ और टू हंड्रेड हो गए लैप्स तो फिर एंट्री कैसे होगी देखिए ये जो आ, ये जो एंट्री होगी ये होगी एज पर वन थाउजेंड एम्प्लॉयज़ के हिसाब से और ये जो एंट्री होगी ये एंट्री होगी एट हंड्रेड एम्प्लॉय हंड्रेड दिस इज द ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान राइट सो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल पार्ट कैसे करेंगे सो so, बट ये याद रखना अगर आपने ये वीडियो वीडियोलेक्चर नहीं देखा डेट क्वेश्चन करें So that would be really difficult for you. I hope you have understood very well. Thank you.